अगला सवाल है बनी इसराइल की हिस्ट्री में अहाब सब्त कौन थे जिनको अल्लाह ताला ने तजाब देकर बंदर और खनजीर बना दिया तो आज तो कल के तो बंदर और खनजीर क्या उन्हीं की औलाद हैं इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल सही मौक़ बयान फरमा दें पहली बात है आज कल के जो बंदर और खनजीर हैं उनकी औलाद नहीं है बंदर और खनजीर उनसे पहले भी एग्जिस्ट करते थे ये अल्लाह तबरत के तौर पर उनको बंदर और खनजीर बनाया है कुरने पाक में मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसका जिक्र आया रहा अब सब्त वाला मामला उसकी डिटेल तो आई है अल आराफ के अंदर पूरी डिटेल के साथ वो वाक़ भी बयान हुआ है कि उनके साथ ये खनजीर और बंदर वाला मामला क्यों हुआ वहाँ तो खैर बंदर का जिक्र हैदनखा हमने कहा कि तुम फिटकारे हुए बंदर बन जाओ वो बंदर इसलिए बने थे कि वह अपने दीन के अंदर हिले बहाने बा, किया करते थे यानी हलाल चीज़ों को हराम और हराम चीज़ों को हलाल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके डिवाइज़ करते थे जिस मैंने बताया ना कि अनफी में कई एक चीज़ें हीलों की शक्ल में उन्होंने यनि की हुई हैं यही फॉर्म यानी वही ख़राबियाँ पहली उमतों में मौजूद थी वो अगर आप डिटेल देखें ना तो असब्द अरबी में कहते हैं हफ्ते के दिन को तो सूर्य बन इसराइल के अंदर इस वाक़ की डिटेल आती है कि अल्लाह ते बेसिकली हफ्ते के दिन यहूदियों के लिए शिकार करना मना कर दिया हुआ था और उनकी गुज़र बसर आपको पता है शिकार के ऊपर हो रही थी क्योंकि 40 साल तक वो सराय सीना में भटकते रहे हजर मूसम की बदवा उनको लग गई तो सूरतम में आता है जब उन्होंने जहाद से इनकार किया अब सराय सीना में वो समुद्री झील के किनारे उन्होंने पड़ाव किया ये कि कई एक समुद्री झीलें थीं जिनको बाद में जोड़ के ना नहर स्वीस बना ली गई है अब तो नहर स्वीस बनिया वो झीलें नहीं है ये हजरत मूसम ने अपने अब को ले के दरिया नील पार नहीं किया था दरियाए नील तो मिस्र के अंदर से गुजरता है वो तो इधर आ रहे थे यानी फ़लस्तीन की तरफ तो उसके लिए रेगिस्तान से गुजरते हुए सराय सीना से गुजरते हुए चंद समुंदी झीलें जिनको उन्होंने बूर किया था आशा मार के तो वो रास्ता बन गया था तो बाद में जब उन्होंने अपने पैगम्बर की नाफरमानी की जहाद में जाने से इनकार कर दिया सवाए दो बंदों के जोशुआ इब्न नून और हज़रत हारून अल इसम के तो उनको बदवा लग गई तो चालीस साल तक फिर वो वहाँ पर भटकते रहे फिर वो उन चालीस सालों के अंदर जो रेगिस्तान में नस्ल पढ़ के यानी पल के जवान हुई ना वो रेगिस्तान के टफ माहौल की आदि थी और फिर उन्होंने वक्त के पैगम्बर से रिक्वेस्ट की कि जी हम जहाद के लिए तैयार हैं ठीक है तो हम जहाद करते हैं फिर उन्होंने जो है वो योरुशलम को फतह कर लिया वो एक लादा से एक डिटेल है यहाँ पे वो असाब सब्द का उन्हीं लोगों का वो जो 40 साल वहाँ पे भटक रहे थे ना उस दौरान ज़ाहिर खाने पीने वाला मामला भी उनके साथ था तो उन्होंने समुंदर के समुद्री झील के किनारे जो है ना पड़ाव डाला हुआ था अल्लाह तला ने अब उनके ऊपर ये बंदी लगा दी कि अब ज़ाहरा उनको वो सी फूड के ऊपर ही गुजारा था रेगिस्तान में सी फूड पर ही आपने गुजारा करना है जबकि रेगिस्तान के किनारे वो मौजूद है उनके ऊपर यह पाबंदी लगाई थी कि आपने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना बाकी आप छह दिन कर सकते हैं इतवार को करें सोमवार, मंगल बुध, जुमेरा जुम्मा हफ्ते वाले दिन शिकार मना है और हफ्ते से मुराद यह है कि जुम्मे की मगरिब जैसे ही दाखिल होगी शिकार मना टिल हफ्ते की मगरिब तक यह उनकी पाबंदी थी बाकी सात दिन छः दिन करें अच्छा लेकिन चूंकि ये अल्लाह ने उनके लिए आजमाइश बनाई थी तो आजमाइश तो फिर उसी वक्त होती है ना कि जब बाकी दिनों में मछलियाँ ना आए और हफ्ते वाले दिन सारी मछलियाँ आ रही हों और ना सिर्फ आ रही हों बल्कि आप कुरान में देखेंगे अल्लाह तला फरमाते है कि वो उनके सामने छलांगे मारती थी और उन्होंने छेड़ दिया सना फड़ो ना सानो ये मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ और अल्लाह ने फरमाई हमने जानबूझ के ऐसे किया था ताकि आजमाइश तो तभी बनती थी ना अगर बाकी दिनों में मछली आ रही होती और हफ्ते वाले दिन भी आ रही होती तो उनके लिए आजमाइश कैसे बनती

जबकि मछलियाँ जो थी ही तान यो मप तिम शुरुआ वह हफ्ते वाले दिन छलांगे मारती थी उनकी नजरों के सामने ठीक है अब पूरा हफ्ता मछली नजर आए हफ्ते वाले दिन मछलियाँ जनाब इस तरह सामने कि वो हाथ से भी पकड़ी जाए इतनी ज्यादा मछलियां आ जाती थी तो फिर किधर सबर होता है योम ला बितून और जब हफ्ते का दिन नहीं होता था लाता कोई मछली नजर ही नहीं थी आती पूरा पूरा दिन जाल लगा के बैठे रहते थे कदाल एक इस तरीके से नबलू हम बीमा कानू याल्ला ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया उनके फिस्क के बदले में यानी उनके अंदर खराबियां मौजूद थी तो अल्लाह ने उन पर यह भी आजमाइश के तौर पर एक और शरीय की पाबंदी डाल दी व इकालत उम तुम मिन हम अब क्या हुआ कि बनी इसराइल में तीन ग्रोह बन गए इसका पूरा वाक्य ना इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स में अलमस्द हाकम में मौजूद है मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कुरान की बेस्ट तफसीर सही बुखारी का किताबो तफसी चैप्टर जामिया तिरमजी का किताबु तफसी चैप्टर और अलमस्तर लाकम का किताबु तफसी चैप्टर है और ये बात अलफ़ुल कबीर फी उसल तफसीर में शाउल देलवी ने भी लिखी है कि कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर तीन हदीस की किताबों में वो अदीस हैं जो इन आयात के शान नजूल के कॉन्टेक्स में तो वो पूरी हदीस इबन अब्बास ताल से मिलती है मुस्त इलाके में वो कहते हैं कि उनसे इक्रमा ताबी जो है वो बयान कर रहे हैं तीन ग्रोह बन के वो फिटनस में बैठती है तीन ग्रोह बन के एक ग्रोह वो था जिन्होंने यानी ये इरादा किया कि अब बात यह कि तो पूरा हफ्ता मछली कोई नहीं आती है तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मछलियां शिकार करनी शुरू कर दी और उन्होंने हिला ये किया कि अल्लाह ताला तो मछली खाने से मना किया ना हम शिकार हफ्ते को कर लेंगे उस दिन रोजा ही रखेंगे इतवार दिन खोल लिया करेंगे रोजा ठीक है और बाज रवायतों में ये भी आता है कि वो हफ्ते वाले दिन उन्होंने समुंदर के एडजेसेंट गढ़े खोद लिए जब वो मद्दजर की वजह से पानी ऊपर चढ़ता था ना तो मछलियां उन गढ़ों में फंस जाती थी जब पानी उतरता था मछली तो जाहिर है वापस नहीं जा सकती गढ़े में फंस गई तो इतवार से गढ़े से वो मछली निकाल लेते थे वही ना कुत्ता लाल करना जिसने मौलवी भी, भी एंज करके एंज कान पकड़ने की कोशिश करते न तो वो तीन ग्रोह बन गए एक ग्रोह ने तो ये काम शुरू किया दूसरा ग्रोह था जो उनको रोकता रहा कि बच जाओ अल्लाह का अजाब आ जाएगा जो हम भी कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ कि खुदा के लिए आपको कहीं और ले जाएंगे ये और तीसरा ग्रो था मीठी मीठी बातें करने वाला अपने अपने उलमा से पूछ पूछ के चले किसी को छेड़े ना अपना छोड़े ना ये ग्रो भी था उनमें और वो इस लेवल का था कि जो समझा रहे होते थे ना वो उनको कहते थे क्यों समझा दे उन्होंने नहीं पता उन्होंने अपनी कब्बर ही जाना ये है ये अल्फाज है कुरान में इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज आएंगे अब सुने वह इलात उम्म तुम मिन हूम जब उनमें से एक उम्मत के एक ग्रोह ने कहा लिमत है कहूमा हुम हुम शदीदा। तुम क्यों इनको समझा रहे हो ऐसी कौम को कि जिनको अल्लाह खुद ही लाग कर देगा अजाब दे देगा अपनी कबर ही जाना वो पुठा काम कर रहे हैं तो वो अपनी कबर में जाएंगे आपको क्या तकलीफ है हमें भी लोग कह रहे हैं तनु क्या तकलीफ है ऐ जनाब तकलीफ सुन लो तो वो कौम क्या कहती है आलू मदन अला हम तो सिर्फ इसलिए इनको समझा रहे हैं कि हम अपने रब के हजूर माजरत पेश कर सकें कि अल्लाह हमने बुराई होते देखी थी तो रोका था घूंगे शैतान नहीं बने थे हम अपना बचाव करना चाहते हैं कि अल्लाह कह यार तुम ईमान थे तुम मुझसे मोहब्बत करते थे मेरे मेरे यानी नाम के ऊपर नाफरमानियां हो रही थी और तुम मेरे नाम का दम भरते थे और तुमने इनको समझाया नहीं है हाँ 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 हाँ। फिर यह हम इन्हें डराएं तो ये बाज आई जाए ये भी दोजक में जाने से बच जाए जैसा दुनिया में लोग किसी को गड़े में देखता हुआ किसी अंधे को देखे ना तो वो पकड़ लेंगे लेकिन एक बंदा जो है वो दोजक में जा रहा है उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता कि इसको समझा दें कि इन अकीदों के साथ तो दोजक में तो चला जाएगा फलम माँ नसू मा के रूबिहीजन अन जब उन्होंने भुला दिया हमारा हुक्म जो अल्लाह तला ने उनको दिया था यानी उन्होंने वो मछरियाँ पकड़नी शुरू कि तो अल्लाह ताला फरमाता है तो हमने निजात दे दी सिर्फ़ उस ग्रोह को जो उनको बुराई से रोक रहा था वह लदीन बी अखदनदीन गलाम बईसम बीमा मानु याफ या सुन और हमने उन उनमों को अजाब में घेर लिया बसबब इसके जो वो फिस्क और बुराई किया करते थे फलम मा अत एम मानू जब उन्होंने हद से तजावुज किया उस मामले में जो हमने उनको मना किया था कुनु तो हमने उनको कहा कि तुम सब के सब फिटकारे हुए बंदर बन जाओ तो सब के सब बंदर बन गए अब ये बड़ी रानकुन बात है अल्लाह ताला ने तीन गुरोहों का जिक्र तो किया यहां पे कहा कि बचाए वो गए जो लोगों को बुराई से रोकते थे जो खुद बुराई नहीं कर रहे थे उनको अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा कि यहां पर जिक्र करें उनका जिक्र किया जो तबाह हो गए और उनका किया जो बचा लिएता है कि इबन अब्बास के पास इक्रमा आए और कहते हैं कि मैंने देखा कि इबन अब्बास ने कुरान पाक गोद में रखा हुआ है और जारो कितार रो रहे हैं तो मैंने उनको तसली दी मैंने कहा हजरत क्या हुआ उनका मैं सूरत उल और मैं इस बात पर रो रहा तीसरे गुरु के साथ क्या बना है। हम भी अपने से बुरे काम देखते हैं उन्होंने अपनी टेंशन गई ना आगे खुद समझ लो आलियमैया का दौर सी अच्छा करबला हर जगह ही आ जाती क्या करें वो कहते हैं कि जी वो रो रहे थे हम तो ये दरमियान वाली कैटेगरी बने हैं तो कहते हैं इकर्मा ने कहा कि मैंने कहा अब्बास इसमें रोने वाली कौन सी बात है उन्होंने कहा रोने वाली ये बात है कि कुरान में ये तो अल्लाह ने बता दिया है कि जो बुराई से रोक लेते उनको निजात मिल गई जो बुराई कर रहे थे उन पर अजाब आ गया और वह बंदर बन गए वो तीसरे ग्रोह के साथ क्या बना है उनको अल्लाह ने बचाया है या बर्बाद किया है वो अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया उनको अपनी टेंशन पड़ गई कि हमें भी चाहिए कि हम बुराई से रोकें अच्छा फिर उसी हदीस के अंदर आता है कि इबनबास कहते हैं कि जी ये जो लोग थे ना इनका बंदर होने का कैसे पता चला कि वो शहर की एक फसील थी ना जब ये लोग इस शिकार से बाज नहीं ना आए तो जो मना करने वाले थे और जो दूसरे लोग थे वो दोनों वो शहर छोड़ के वहाँ से कहीं और चले गए समुद्री किनारे से उन्होंने उन, उनको पता था इन पे हज़ाब आ जाना है फिर वो कुछ दिनों के बाद आए और उन्होंने आके ना आवाज़ें दी कि दरवाज़ा खोलो शहर का दरवाजे कोई नहीं खोल रहा फिर वो सीढ़ी लगा के जब वो उस फसील की छत पे चढ़े तो उन्होंने देखा कि अंदर तो सारे बंदर बने हुए फिर अंदर से जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला अंदर गए तो इनको ये कैसे पता चला कि वही बंदर बने हुए थे वो हाकिम की रिवायत के अंदर आता है कि जिस जिस कबीले के जो जो लोग उसमें शामिल थे ना वो सब अपने अपने कबीलों के लोगों के साथ आ के लिपट गए वो बंदर और उन्होंने रोना शुरू कर दिया जिससे उनको पता चला ओ, ओ ये तो हमारे कबीले के लोग हैं जो बंदर बन गए हुए हैं तो वो क्या कुछ नहीं थे कर सकते उनका मैं तुमने पहले ही समझाया था तो ये पूरी रवायत को डिस्कस करके इब्न बास कहते हैं कि जो अल्लाह तो कुरान में कह रहे हैं कि जिन्होंने रोका था उनको हमने बचा लिया और जो ये काम करते थे उनको बर्बाद किया तीसरे ग्रोह के साथ क्या बना तो इक्रमा कहते हैं कि मैंने बास को तसली देने के लिए कहा कि उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ने उनको छोड़ दिया होगा कि उन्होंने बुराई में इन्वाल्व नहीं हुए आप टेंशन ना लें इस मामले में इस पर खैर रवायत कंक्लूड हो गई है अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है लेकिन जाल का अद जो सही मुस्तम हदीस है बुराई देखो तो हाथ से रोको हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से जुबान से ये जुबान से, ये जुबान से ही रोक रहे थे हाथ से नहीं रोक रहे थे और जो जुबान से नहीं रोक सकता कम अज कम दिल में बुरा जा है लेकिन कहा जाल का अदाफलमान ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है और वही हुआ है वो कमज़ोर दर्जे वालों को अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र करना भी गवारा नहीं किया ये भी अल्लाह ताला के गुस्से का इजहार है अलबा इसमें यह है जो शरी हुकम है अदीस की रोशनी में वही है कि अगर कोई शख्स बुराई खुद ना करता हो लेकिन किसी को मना भी ना करता हो तो दुनिया में जब अजब आएगा ना तो अदीस में और सूरत के तहत सूरताल में भी यह मौजूद है कि जब अजाब आएगा सब पे यकस आएगा हाँ आखिरत फिर उन लोगों की बर्बाद होगी कि जो लोग बुरे काम करते थे आखिरत में अल्लाह ताला उनको बचा लेगा जिन्होंने खुद नहीं किया लेकिन दुनिया में जब अजब आएगा तो सुरतलफ में आया कि फिर खास उन लोगों पर नहीं आएगा जो बुराई में इन्वाल्व थे बल्कि उन लोगों पर भी आ जाएगा जो उनको रोका नहीं करते थे यानी ये इसका यानी शर्म इस हवाले से मौजूद है ठीक हो गया जी